नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में पिछले 16 दिन से अभी भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उनको बाहर निकालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सबके निगाहें टनल पर लगी हुई है। मजदूरों को बाहर निकालने के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड की सिलकियारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कोशिशें अब तेज हो गई है। एक साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है। अब सब ठीक रहा तो अगले 24 घंटे में अच्छी खबर मिल सकती है। बता दें कि टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग 40 मीटर तक हो चुकी है। अब 46 मीटर और होनी बाकी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। वैसे तो अब तक रेस्क्यू के नतीजे बहुत सकारात्मक हैं। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह तक 52 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। अब फंसे हुए मजदूरों से 7 से 8 मीटर दूरी बाकी रह गई है। इससे पहले 24 नवंबर को जो ड्रिलिंग हुई थी, मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले मशीन की ब्लेड्स टूट गई थी। इस वजह से रेस्क्यू रोक दिया गया। बता दें कि 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। इस सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर अंदर ही फंसे थे। अब उनको बाहर निकालने की खबर जल्दी ही मिल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।